हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाश्वत रसोई। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा खाने में हम सबको पसंद आता है, मगर बनाने में जो गाजर घिसने का प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। हम में से कोई भी ये गाजर घिसने वाला जो प्रोसेस है नहीं करना चाहता है। तो आज ये जो गाजर का हलवा हम बनाने जा रहे हैं इसमें हमें गाजर को घिसना ही नहीं है। ये रेसिपी मैंने अपने पापा से सीखी थी, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा, वो भी बिना गाजर को। ये मैंने 1 किलो गाजर को धोकर छीलकर ले लिया है और अब हम इसको घिसना नहीं है हमें, और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसे टुकड़ों में काट लेंगे। और ये जो लास्ट का मोटा वाला पार्ट है इसको हम ऐसे दो पार्ट करेंगे, और जो ये बीच का टाइट सा पार्ट होता है इसको काट कर निकाल लेंगे। ये देखिए, सारी गाजर को भी हम ऐसे ही काट लेंगे। अब एक पैन में हम 1/2 लीटर दूध बॉईल होने के लिए रख देंगे। दूध हमारा बॉईल हो चुका है और इसको हम दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर देंगे। इसका हमें मावा तैयार करना है, तो दूसरे बर्नर पर हम इसे गाढ़ा कर लेंगे। और इधर हम रख देते हैं एक प्रेशर कुकर, गर्म होने देते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे 30 ml देसी घी। और अब हम ये जो हमने गाजर काट के रखी हुई है इसको भी डाल देंगे और इसे चला लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप शुगर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डाल देंगे 125 ml बॉइल्ड मिल्क। अभी जो हमने दूध बॉइल किया है उसी में से मैंने ये दूध लिया है। और अब हम ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे और इसे हम 4 सीटी आने तक पका लेंगे। तो जब तक कुकर में सीटी आती है तब तक हम इधर मावा तैयार कर लेते हैं। इस 1/2 लीटर दूध में से हमने 125 ml दूध गाजर में डाल दिया था, बाकी बचे हुए दूध से हम मावा तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, दूध हमारा मावे में बदल गया है। ये देखिए, हमने मावा बनाकर तैयार कर लिया है और ये 4 सीटी आ चुकी है। कुकर एकदम ठंडा हो चुका है, प्रेशर निकल चुका है। ढक्कन खोलते हैं और ये देखिए, गाजर हमारी एकदम पक चुकी है। एक कड़छी लेकर हम इसे हल्का हल्का दबाते हुए चला लेंगे। देखिए, बस हल्का हल्का हम दबाएंगे और ये एकदम घिसे हुए गाजर की जैसे ही दिखने लग जाएगी। ये देखिए, देखिए गाजर को हमने एकदम मैश कर लिया है।
गाजर हमारी एकदम मैश हो चुकी है। और अब इसमें हम कटे हुए काजू के टुकड़े डाल देंगे और ये किशमिश भी डाल देंगे। फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई इलायची। और अभी अभी जो हमने मावा तैयार कर लिया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। और ऐसे ही चलाते हुए हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो भी हमारा मॉइस्चर रह गया है हलवे के अंदर वो खत्म हो जाए। देखिए हलवा हमने बनाकर एकदम तैयार कर लिया है, तो हलवा हमारा एकदम रेडी है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने कितने कम टाइम में हलवा बनाकर तैयार कर लिया है और बिना घेसे, जिसमें हमें कोई झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ी और किसी को भी नहीं लगेगा कि हमने ये हलवा बिना घेसे बनाया है, गाजर को घिसा नहीं है। तो जब भी आपका हलवा खाने का मन करे तो गाजर को बिना घी से ऐसे बिना किसी झंझट के झटपट बना लें। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।